जी, भगवती प्रसाद मंगूरी जी, विधानसभा संयोजक श्रीमती चंद्रकला तिवारी जी, गढ़वाल संयोजिका महिला मोर्चा श्री महेंद्र सिंह राणा जी, अध्यक्ष नगर मंडल गोपेश्वर सुधीर जोशी जी, महावीर सिंह रावत जी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा कर्नल एच एस रावत जी, प्रदेश सह संयोजक श्रीमती रोहिणी रावत जी, श्री रुकू रमन सिंह रावत जी एवं इस सभा में दूर दूर से आए हुए सभी मेरी माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और बड़ी संख्या में यहां उपस्थित हमारे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो इस भगवान मद्री विशाल जी की, भगवान गोपीनाथ जी की इस भूमि को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, आप सबको भी नमन करता हूं और भगवान मद्री विशाल जी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम पर यो ही बना रहे जिससे हम लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ते रहे, हमारा राज्य आगे बढ़ते रहे, हम सब उस रास्ते के सहयात्री बने। भाई बहनों, में आज आप सबके समक्ष बद्रीनाथ विधानसभा के इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और आप सबके प्रिय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी के लिए आप सबका मत, आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। आप सब जानते हैं, अभी राजेंद्र भंडारी जी यहां से बोल रहे थे तो उन्होंने अपने लंबा सफर जो आप सबके बीच में से एक सामान्य स्थितियों में से अनेक अनेक पदों पर, अनेक अनेक दायित्वों पर आप सब लोग उन्हें पहुंचाने में उनको अपना बड़ा योगदान दिया, अपना आशीर्वाद दिया है और उन्होंने भी अनेक विकास कार्यों को इस विधानसभा के लिए आगे बढ़ाने का काम किया है। इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, राज्यसभा के सदस्य और हम सबके प्रिय आदि महेंद्र प्रसाद भट्टी ने भी विधायक रहते हुए अनेक विकास कामों को आगे बढ़ाया है। भाई बहनों, अब एक साथ आपके लिए यहां भी डबल इंजन लगने वाला है, आप सबको डबल इंजन लगाना है। जैसे प्रदेश में आज डबल इंजन की सरकार चल रही है तो दो इंजन तो वो हो गए और आपके लिए दो इंजन एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। एक इंजन जो है महेंद्र भट्टी राज्यसभा में पहुंच गए हैं, भारत के सबसे उच्च सदन के, और दूसरा इंजन राजेंद्र भंडारी जी को आप यहां से विधायक बना देंगे तो यहां दो इंजन अलग से काम करेंगे, यानी कि चार इंजन हो जाएंगे भाई बहनों, चारों इंजन तेज गति से काम करेंगे। आप सब जानते हैं उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप सबकी सरकार राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम कर रही है, लगातार उसके लिए प्रयास कर रही है। मुझे आप सबको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारा राज्य उत्तराखंड कई क्षेत्रों में आज देश का अग्रणी राज्य बन गया है। बहुत सारे जो मॉडल आज उत्तराखंड राज्य से निकले हैं आज वो पूरे देश के लिए मॉडल बनते जा रहे हैं। भाई बहनों, आप सबको पता होगा 2022 के आम चुनाव में हमने आप सबके समक्ष एक लंबे समय से जो देश की मांग थी कि पूरे देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होना चाहिए, वो किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो,